हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉलर के गले की नेक की कटिंग, कॉलर नेक की कटिंग हम कैसे करते हैं वो हम बनाएंगे। देखिए, जब हम राउंड नेक की कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम जो है थोड़ा सा ऊपर बना करके राउंड नेक अपना कटिंग राउंड नेक की स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम कॉलर की कटिंग करते हैं, कॉलर बनाने के लिए नेक की कटिंग करते हैं, तब हम ऊपर से हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कितना ऊपर की है। देखिए जब हम ये जो है हमारी कटिंग जो है 8 इंच तक हमारी कटिंग जो है हुई है, 8 इंच तक कटिंग करने के बाद हमने ये अपना गला यहाँ से बीच में से गला स्टार्ट करना है। जब हमारी 4 इंच की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, देखिए यहाँ से लेकर के 4 इंच तक यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम जो है ये कॉलर नेक की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 4 इंच के बाद जब भी हम जो है जे आर्म होल अपना कटिंग करते हैं, आर्म होल की कटिंग करते हैं, जे 8 इंच की होगी। लेकिन जब 4 इंच की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब हम जो है इसकी गले की कटिंग करेंगे कॉलर बनाने के लिए। ये कॉलर बनाने के लिए मैं बता रही हूँ। अगर राउंड नेक है तो थोड़ा सा नीचे से हम यहाँ से ऐसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कॉलर नेक है इसलिए हम जो है ऊपर से कटिंग करेंगे थोड़ी सी, मतलब कि जब हमारा जे जो है हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग 8 इंच की है तो 4 इंच होने के बाद यहाँ से हम कटिंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये तो जो हम हमारी कॉलर नेक की कटिंग है ये हो गई। अगर आप चाहते हैं कि कॉलर जो है हमारा थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो आप जो है 4 इंच की बजाय 6 इंच या 5 इंच कटने यहाँ से लेकर के 5 इंच करने के बाद यहाँ से आप कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे हम करेंगे कटिंग इसकी। देखिए एक बात मैं और बता दूँ, जब हम राउंड नेक की कटिंग स्टार्ट करते हैं, राउंड नेक की कटिंग करते हैं, तब हम जो है यहाँ से अपने 25 या 26 जितने भी आप कंधे के यहाँ से स्टिचेस रखना चाहते हैं उतने आप स्टिचेस रखने के बाद जितने हमारे पास बाकी स्टिचेस हमारे पास बचते हैं उन्हें हमने डिवाइड करके यहाँ से घटाना होता है। तो हम जहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम 5 फंदे भी घटा सकते हैं, 6 फंदे भी घटा सकते हैं, ये आपके नेक के ऊपर है कि आप कितनी गोलाई चाहती हैं, कितना आप बड़ा नेक चाहती हैं। तो यहाँ से हम 5 या 6 फंदे एक ही बार में 5 या 6 फंदे कम करके उसके बाद 5 के बाद 3, 2, फिर 1 ऐसे भी घटा सकते हैं। लेकिन हम डिवाइड करके यहाँ से फंदों को घटाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम कॉलर नेक की कटिंग करना कर रहे हैं तो इसके लिए हमने फंदे कैसे घटाने हैं वो मैं आपको ये कटिंग करके बता रही हूँ। देखिए ये तो था हमारा एक पार्ट, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हमने इसे कटिंग के लिए रेडी किया है। कटिंग हमने कैसे करनी है, यहाँ से ये जो धागा है यहाँ तक ले आते हैं बटन पट्टी के फंदों को बना करके हम। ये 14 स्टिचेस है हमारे बटन पट्टी के, इन्हें हमने बुन करके इस धागे को नेक की तरफ लाना है। यहाँ से हमारे नेक की कटिंग स्टार्ट होगी। अब ये देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो हो गया हमारा बटन पट्टी के फंदे। अब हम क्या करना है, अब देखिए यहाँ से हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे घटाने हैं। ध्यान से देख लीजिए, हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे घटाने हैं, 1
दो और ये तीन, तीन फंदे घटाने के बाद बाकी सिलाई हमारी वैसे ही चलेगी जैसे हम चलाते आए हैं। यहाँ से भी कोई फंदा नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो है कटिंग अपनी 4 इंच की कंप्लीट की है, तो यहाँ पे हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम सीधा बुनते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे हम बाकी बचे फंदों को वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं, और सीधी सिलाई हमारी यहाँ तक वैसे ही बनेगी। अब बटन पट्टी के फंदों को हमने यहाँ पे नहीं बुनना है, इसे हम सेफ्टी पिन में या ऐसे धागे में उतार करके रख सकते हैं। जब हम कॉलर के यहाँ से फंदे उठाएंगे तब हम इनको साथ में ले लेंगे या इन्हें बंद कर देंगे। अगर बटन पट्टी के फंदों को आपने छोड़ना है, कॉलर यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इन्हें बंद कर देंगे। अगर आप यहाँ से कॉलर बना रहे हैं तो इन्हें भी साथ लेते हुए चलेंगे। तो ये मैं एक सिलाई ये वाली और एक सिलाई ये वाली कंप्लीट करके यहाँ से फिर से आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कैसे बनाना है, यहीं पे हम छोड़ देंगे बुनते हुए। अब इस फंदे को हमने बिना बुने ही यहाँ पे उतार लेना है। अब यहीं से वापस जाएंगे, बटन पट्टी के फंदों को हमने छोड़ दिया है, ये देखिए ऐसे आकर के इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। एक फंदा कम हो गया, दूसरा और ये तीसरा, तीन फंदे हमने फिर से कम कर दिए। यहाँ पे तीन पहले घटाए और तीन हमारे फिर से यहाँ पे कम हो गए। हमने डिवाइड करके फंदों को घटाना है। देखिए हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास जो है नीचे से यहाँ से लेकर के बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास जो है 57 फंदे थे। 57 फंदों को हमने यहाँ तक बना लिया। यहाँ तक बनाने के बाद मैंने जो है 4 3 2 1 की कटिंग की है, मतलब कि हमारे 57 फंदों में से 10 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए, तो हमारे पास जो है 47 फंदे हैं यहाँ पे। तो 47 फंदों को हमने यहाँ तक बनाया। अब हमने यहाँ से गले की नेक कटिंग करनी है, तो गले की कटिंग हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने जो है 25 26 या 27 जितने भी आप फंदे आप अपने जिसको भी बना रहे हैं उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे कंधे के जो है स्टिचेस रखने होते हैं। आप 30 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं, आप जितने उसके कंधे की जो है चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हम जहाँ पे फंदे रखेंगे। तो मैंने जो है 47 फंदों में से 27 फंदे मैंने जो है जो कंधे के रखे हैं। 27 फंदे कंधे के रखने के बाद हमने 20 फंदे जो हैं वो यहाँ से बंद करने हैं, मतलब कि 20 फंदों की हमने कटिंग करनी है। इसको 20 फंदों में 20 फंदों को हमने कैसे जो है बांटना है, देखिए 20 फंदों को हमने, 20 फंदे हैं हमारे पास, 27 फंदों को हमने 47 फंदे हैं हमारे पास, इनमें से 27 फंदे तो हमने जो है रखने हैं शोल्डर के लिए, तो 20 फंदे हमारे पास बचेंगे। तो 20 फंदों को हमने कैसे डिवाइड करना है, देखिए पहले हमने तीन घटा लिए, फिर तीन घटा लिए, फिर से तीन घटाएंगे, जे 9 फंदे हो गए हमारे पास कटिंग के। तो फिर दो दो दो, फिर दो, एक एक एक, ऐसे ही हमने करके जो है अपने 20 फंदे जो है पूरे कर लेने हैं। तो इसको करने के बाद जो है अगर हमारी लंबाई जो है कंप्लीट हो जाती है कंधे जो है आर्म होल की, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं होती है तो वहाँ से हम जो है थोड़ा सा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई भी फंदे को घटाएंगे नहीं, सीधा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए तीन फंदे मैंने घटा लिए, फिर से तीन घटाए हैं, फिर से तीन घटाऊंगी, फिर दो, देखिए तीन और तीन 6 और तीन 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है 20 फंदे कम यहाँ पे हो जाएंगे। तो 20 फंदे यहाँ से कम करने के बाद हमारी नेक की कटिंग भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो है हमारा जो है आर्म होल भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 8 इंच है मेरे हिसाब से होनी चाहिए पूरी,
लेकिन अगर नहीं होती है तो हम जो है थोड़ा सा सीधा भी बुन के कंप्लीट इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 3 फंदे मैंने और कम कर लिए, इसके बाद मैं फिर से 3 फंदे कम करूँगी, उसके बाद दो 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 ऐसे ही करते हुए, फिर एक एक 3 बार, और दो दो जो फंदे हैं हम 4 बार करेंगे कटिंग, तीन तीन की 3 बार करेंगे, और एक एक की हम 1 बार कटिंग करके, ऐसे हमने इन फंदों को 20 फंदों को डिवाइड करके हमने जो है अपने नेक की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो आपको पता चल गया होगा कि नेक की कटिंग हमने कैसे करनी है। तो इसी तरीके से मैं कटिंग करके आपको फिर से आगे दिखाती हूँ कि कैसा बना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है अपनी गले की जो है कटिंग कंप्लीट कर ली है। देखिए ये एक साइड हो गई और ये हमने दूसरी साइड में ऐसे कटिंग की है। ये देखिए देखिए ऐसे हमारी जो है थोड़ी सी हमारी जो है यहाँ से गोल नहीं आएगी कटिंग, ऐसे हम कटिंग करेंगे तो थोड़ी सी हमारी जो है कटिंग तिरछी आएगी। ये देखिए ऐसे ये हमारे एक कॉलर नेक की कटिंग है, ये ऐसे हमारी आएगी। अगर हम राउंड नेक बनाते हैं इसमें तो यहाँ से हम 5 या 6 फंदे जो हैं इकट्ठे ही बंद करेंगे। तो 5 6 फंदे इकट्ठे बंद करने के बाद वैसे ही हम यहाँ पे इन सारे फंदों को डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे डिवाइड होंगे यहाँ पे जितने फंदे हैं उतने को हम यहाँ पे अपने अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉलर नेक की कटिंग है इनमें हमने 3 3 फिर से 3 और 2 4 बार हमने 2 2 घटाए हैं, और 3 बार हमने एक एक घटा करके हमने जो है कॉलर नेक की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इतना हमारा जहाँ से सीधा बना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग करने के बाद अब हम कॉलर बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने कंधों को ज्वाइंट कर दिया है, देखिए मैंने सुई के साथ अपने कंधे जो हैं ज्वाइंट किए हैं, यहाँ से दोनों दोनों साइड मैंने सुई के साथ इसे ज्वाइंट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं। अब हम यहाँ से फंदे कितने उठाएंगे ये देखना है हमने। सबसे पहले हम इन फंदों को इस धागे में से निकाल करके ऐसे सिलाई में ले लेंगे। सिलाई में ले लिए फंदे, अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने फंदे लेने हैं सिलाई में, और इन सभी फंदों को यहाँ पे हमने वाइंड ऑफ करना है। इसको मैं कॉलर के साथ नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे हम इन फंदों को वाइंड ऑफ करेंगे। ऐसे इन फंदों को हमने वाइंड ऑफ कर देना है। अब देखिए यहाँ से हमारे जो फंदे हैं यहाँ से एक फंदा हम और उठाएंगे और इसको भी बंद कर देंगे। तो हमारे सारे फंदे जो हैं यहाँ से बंद हो जाएंगे। तो अब ये जो धागा है इसे हम क्रोशिए से इसे अंदर की तरफ हम देखिए इसे अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो है फंदे उठाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फंदे, यहाँ तक हमारे 38 या 40 फंदे जो हैं, एक साइड से फ्रंट साइड से हमारे 38 या 40 फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं। इसे कैसे उठाना है? अंदर से बाहर की तरफ उठाने हैं। ये देखिए, ऐसे जो चेन जो है हमारी वो बाहर की तरफ आनी बाहर की तरफ हमारी आनी चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे हमने उठाने हैं, ऐसे, क्योंकि कॉलर जो है हमारा बाहर की तरफ मुड़ेगा, तो हमारा जो है ये बाहर की तरफ हमने जो है फंदे ऐसे उठाने हैं। ये देखिए, ये जो चेन सी है हमारी वो बाहर की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि कॉलर हमारा ऐसे मुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा प्लेन बनेगा। ऐसे हम एक एक करते हुए फंदा उठाएंगे। आप अपने गले के हिसाब से उठाइएगा फंदे, चाहे आप 35 या 40 या 38, जितने आपको ज़रूरी लगे उतने आप फंदे उठा लीजिए। देखिए, हर एक चेन में से हमने फंदे को उठाते हुए जाना है, तो इसी तरीके से हम यहाँ तक फंदे अपने उठा लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 20 पेयर उठा लेने हैं, मतलब कि 40 फंदे हमने यहाँ पे उठाने हैं। आप 38 उठा लीजिए, 40 उठा लीजिए। अब बैक साइड के फंदे जो हैं, बैक साइड में हमने 30 फंदे रखने हैं, 30 रख लीजिए, 28 रख लीजिए चाहे, तो हम 30 फंदे रखेंगे बैक साइड के। तो यहाँ पे है कितने, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कि हमारे पास 36 फंदे हैं। तो अगर हमने 30 फंदे रखने हैं तो 36 में से 6 हमने जो है फंदे घटा लेने हैं। तो यहाँ पे 6 फंदों का हम ऐसे घटाएंगे। ये देखिए, 2 का एक यहाँ पे कर लिया, बीच बीच में से हमने 6 फंदे जो हैं वो कम कर लेने हैं। एक बार 2 का एक कर लिया, अब दूसरी बार और यहाँ पे तीसरी बार, 3 बार हमारे 3 फंदे घट गए। अब 3 फंदे हमारे पास और हैं, अब 3 फंदे हम और घटाएंगे। एक यहाँ पे, ये 2, और ये लास्ट में हम एक फंदा घटा देंगे, तो 3। इस तरीके से हमारे जो हैं 6 फंदे जो हैं यहाँ पे कम हो गए, तो हमारे पास 30 स्टिचेस जो हैं बैक साइड के रह गए हैं। अब 30 स्टिचेस जे हो गए, 40 हमारे पास जे हैं, तो 40 और 30 हमारे पास 70 स्टिचेस हो गए हैं। अब 40 स्टिचेस हमने इस साइड से उठाने हैं। ये बैक साइड है हमारी, यहाँ से हम 40 स्टिचेस उठाएंगे। जैसे हमने ये आगे वाली साइड से उठाए हैं, वैसे ही हम यहाँ से उठाएंगे, और ये वाले जो हैं ये फंदे जो हैं हम इन्हें बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इन स्टिचेस को हमने वाइंड ऑफ करना है, जो हमारे बटन पट्टी के हैं उन्हें हमने कॉलर के साथ नहीं बनाना है, तो मैं इसलिए इसे बंद कर रही हूँ। इनको बंद करने के बाद हम अपने कॉलर को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये हमारे कॉलर के फंदे जो हैं
बंद हो गए हैं। देखिए यहाँ से हमारे कॉलर के फंदे बंद हो गए हैं। देखिए ये 14 फंदे हमारे कॉलर के हैं, बटन पट्टी के हैं सॉरी, वो बंद हो गए हैं। अब हमने यहाँ से कॉलर बनाना स्टार्ट करना है। जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, एक उल्टा एक सीधे का चाहे तो आप ये वाला डिज़ाइन भी इसमें कॉलर पे डाल सकते हैं जो हमने कार्डिगन पे डाला है, चाहे आप ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं जो है एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टे का यहाँ पे कॉलर बनाऊंगी। चाहे हम ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये कॉलर। एक सिलाई में ऐसे ही उल्टी बना लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर हमने बनाना है वो, और एक एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए फंदा कैसे हमने बढ़ाना है। यहाँ पे दो हमारे उल्टे फंदे आए हैं स्टार्टिंग में। देखिए दो फंदे बनाने के बाद यहाँ से हम इस फंदे को उठाएंगे, यहाँ से इस फंदे को उठाएंगे और उल्टा बना देंगे, और ये सीधा है। आगे सारी सिलाई हमारी एक उल्टा और एक सीधे की बनेगी ऐसे। एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर हमने बनाना है। तो इसी तरीके से हमने एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेना है इस साइड से, और एक फंदा हमने इस साइड से बढ़ा लेना है। आते हुए फिर से एक फंदा हम इस साइड से बढ़ाएंगे, इस आप जाते हुए इस साइड से। इसी तरीके से हमने जो है इस अपने बॉर्डर को, कॉलर के बॉर्डर को अपने उतना बना लेना है जितनी आप चौड़ाई चाहती हैं। मैं लगभग इसे 7 इंच या मैं 8 इंच, 6 या 7 इंच हम इसे मैं बना करके कंप्लीट करूँगी। फंदे को बढ़ाते हुए जाना है, एक इस तरफ से और एक दूसरी साइड से, दोनों साइडों से हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है हर एक सिलाई में। तो ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर जो है, ज़्यादा चौड़ा कॉलर बन जाएगा हमारा। आप जितनी भी इसकी चौड़ाई चाहते हैं उतनी आप इसको चौड़ा बना लीजिए। इस तरीके से हमने एक फंदा उल्टा और एक सीधे का इसमें बॉर्डर बना लेना है, और अपने जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई चाहते हैं उसके मुताबिक आपने जो है बना लेना है पूरा। तो मैं आपको सारा कॉलर बना करके आगे फिर दिखाती हूँ कि कैसा बनता है ये, कैसे लगेगा बन करके पूरा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो है कॉलर कंप्लीट हो चुका है। ये यह देखिए, यहाँ से मैंने 6 इंच के करीब यहाँ से बना लिया है। अब हमने क्या करना है, अगर आप डबल बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से उसके लिए हम बनाएंगे 4 सिलाइयाँ। अगर आप सिलाई के साथ बंद करना चाहते हैं तो यहीं से हम वापस इसे बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ से सुई के साथ इसको बंद करूँगी डबल बॉर्डर। तो डबल बॉर्डर मैं आपको बना करके दिखाऊँगी कि कैसे बनाना है। फर्स्ट जो स्टिच है हमने ऐसे ही उतार लेना है, और सेकेंड वाला हमारा जो है उल्टा स्टिच है। देखिए उल्टा स्टिच हमने ऐसे ही उतारना है, धागे को पीछे करके सीधा बनाना है, फिर से धागा आगे करना है, उल्टा ऐसे ही उतारना है, धागा पीछे करके सीधा बनाना है। मतलब कि हमने उल्टा स्लिप करना है और सीधा फंदा हमने बनाना है। इसी तरीके से दोनों तरफ से हमने 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। कम से कम हम 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाएंगे, सीधा बुनेंगे और जो उल्टा दिख रहा है उसे हम स्लिप करेंगे। दूसरी साइड से भी, इस साइड से भी हमने ऐसे ही करना है, सीधा बुनना है और जो उल्टा दिख रहा है उसे हमने स्लिप करना है। तो इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ हमने बना लेनी है। उल्टा स्लिप किया, धागे को पीछे करके सीधा बना लिया, फिर से उल्टा स्लिप किया, धागा पीछे करके सीधा बना लिया। इसी तरीके से सारे फंदों को हमने बना लेना है। 4 सिलाइयाँ हमने बनानी है। ये फर्स्ट सिलाई है, उसके बाद ये दूसरी होगी, तीसरी और फिर चौथी, फिर 5वीं सिलाई में हम इसे सुई के साथ बंद करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने चार सिलाइयाँ जो हैं सीधा सीधा बुन सीधा फंदा जो है बुना है, और उल्टा हमने बिना बुने ही उतारा है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा हमारा। अब हमने इसको सुई के साथ बंद करना है, तो हम जो है धागे को थोड़ा सा लंबा हम काटेंगे। इसे सुई में हम धागे को डाल करके, ये देखिए पहला हमारा फंदा जो है सीधा दिख रहा है, उसे हमने ऐसे उल्टे तरीके से, ये देखिए अपनी तरफ सुई को निकाल करके उस फंदे को हम निकाल लेंगे ऐसे। अब हम इसी फंदे में से, देखिए ऐसे इसी फंदे में से हमने सुई को लेना है, और इस फंदे को जो उल्टा दिख रहा है उसे हमने ऐसे, जैसे हम सीधी बुनाई करते हैं पीछे की तरफ, ऐसे इसको निकाल लेना है। अब देखिए ये जो फंदा है ये वाला लेना है हमने, इस फंदे को हम ऐसे सुई में लेंगे, और इस फंदे को, ये हमारा सीधा फंदा है, देखिए देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हमने ऐसे सुई में अपने लेना है और सिलाई में से उतार देना है। और फिर से देखिए इस फंदे को हम, लेंगे, और इस उल्टे फंदे को हमने ऐसे सीधे तरीके से उतार लेना है ऐसे। और इस फंदे को हम लेंगे और इस फंदे को हमने उल्टे तरीके से उतारना है। तो इसी तरह से हम जो है ये डबल बॉर्डर बंद कर देंगे। तो फिर से देख लीजिए एक बार, इस फंदे को हम छोड़े हुए फंदे को ऐसे उठाएंगे, देखिए ऐसे उठाएंगे, और ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है उसे हम सीधे तरीके से ऐसे, हम ऐसे उतार लेंगे। ये मैं सुई के साथ आपको बॉर्डर कैसे बंद करना है, डबल बॉर्डर, ये बता रही हूँ। अब हम इस फंदे को लेंगे, देखिए ये जो छोड़ा हुआ फंदा है इसे हम ऐसे उठाएंगे, ये देखिए ऐसे उठाएंगे, और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे अपनी तरफ सुई करके इसको उतार देंगे। ये देखिए ये हमारा डबल बॉर्डर जो है वो बंद हो रहा है। ये देखिए अब इसी तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। फिर से हमने इसको सुई में लेना है, और इस उल्टे फंदे को ऐसे सीधे लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं इसको करना है, थोड़ा सा हम इसे लूज रखेंगे, और इस फंदे को ऐसे उतारेंगे। इस फंदे को उठाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिला करके सीधा बुनेंगे। जो फंदा हमारा सीधा है उसे हम उल्टे तरीके से बुनेंगे, और जो हम फंदा हमारा उल्टा है उसे हम सीधी तरह से बुनेंगे, जैसे हम सीधी बुनाई करते हैं। इस फंदे को उठाया और इसे लिया, इसको हम ऐसे बुन देंगे। ये देखिए ये डबल बॉर्डर जो है बिल्कुल हमारा अच्छे तरीके से ये बंद हो रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा ही दिख रहा है ये। तो इसी तरीके से हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में फंदा है हमारा, इसे हम ऐसे बंद कर देंगे यहाँ से। देखिए ये हमारा डबल बॉर्डर जो है बन करके कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना सफाई से जो बंद होता है, ये देखिए ये सारा हमारा जो है बंद हो करके कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हमने जो है इस धागे को हम यहां तक ला करके बंद कर देंगे। अब
ये हमारा कॉलर जो है बन करके रेडी हो गया है। इस तरीके से आएगा हमारा कॉलर जो, कैसे ये आप अपनी अपने हिसाब से इस कॉलर की चौड़ाई बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़ा बना रहे हैं, कॉलर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ज़्यादा बना लीजिए। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई कम कर दीजिए, तो आपका ये कॉलर जो है बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है कॉलर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।